हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, आइए देखते हैं कि किस प्रकार से हम वन टू मेनी रिलेशनशिप क्रिएट करा सकते हैं एमएस एक्सेस पे। तो आइए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास एक डेटाबेस होना चाहिए और दो टेबल्स होनी चाहिए। इन दो टेबल्स में हम रिलेशनशिप क्रिएट कराएंगे। अच्छा, रिलेशनशिप क्रिएट कराने के लिए आपके पास ज़रूरी है कि एक कॉमन फील्ड हो। जैसे यहाँ पे स्टूडेंट आईडी लिखी हुई है, आप देख सकते हैं। स्टूडेंट आईडी के साथ साथ अगर हमारे दूसरे वाले टेबल की बात करें तो इसमें भी स्टूडेंट आईडी होनी चाहिए। अगर नहीं है तो आप रिलेशनशिप नहीं क्रिएट करा सकते। आपके पास स्टूडेंट आईडी नाम की एक कॉमन फील्ड होनी ही चाहिए। यहाँ पर देखिए, स्टूडेंट आईडी के बीच में गैप है, हम इस गैप को भी रिड्यूस कर देते हैं। ठीक है, यहाँ पे आईडी और स्टूडेंट दोनों के बीच में गैप है, तो इसको भी हम रिड्यूस करके और यहाँ से ओके करते हैं, इसको सेव करते हैं। तो ये देखिए, हमने इस गैप को भी रिड्यूस कर दिया है। यहाँ पे हमें कैलकुलेट करना है, इन दोनों का टोटल करना है, मैथ्स का और कंप्यूटर साइंस का। यहाँ देखिए, ये कंप्यूटर साइंस है, इन दोनों का हमें टोटल करके यहाँ पर लाना है। तो कैसे टोटल करेंगे, क्रिएट पर जाएंगे, इंसर्ट करेंगे यहाँ से, और उसके बाद हम यहाँ पर लाइन वाइज इंसर्ट कराते चलेंगे। तो ये सारे रिकॉर्ड इंसर्ट हो चुके हैं। अब यहाँ पे हमें कोलन लगाना है, कोलन लगाने के बाद स्क्वायर ब्रैकेट बनाना है। यहाँ लिखिए कंप्यूटर साइंस, दोनों में से किसी सब्जेक्ट को आप पहले लिख सकते हैं, स्पेलिंग ध्यान रहे। बंद करेंगे, प्लस का साइन लगाएंगे और इसके बाद यहाँ पर जो है हम मैथ लिखेंगे, क्योंकि दूसरा सब्जेक्ट हमारा मैथ है। इन दोनों का टोटल हमने करा लिया। यहाँ रन पे क्लिक कर दीजिए तो ये टोटल होकर आ जाएगा। अब टोटल कराने के बाद हमें करना क्या है, हमें इसको सेव करना है। मैं इसको क्लोज करते वक्त सेव कर लेता हूँ, इसको मैं सेव करता हूँ रिकॉर्ड के नाम से, रिकॉर्ड। ठीक है, इसको मैंने सेव कर लिया। यहाँ देखिए, रिकॉर्ड के नाम से ये सेव हो गया है, आप देख सकते हैं। अब हमें क्या करना है, अब हमें डेटाबेस टूल्स पे क्लिक करना है और यहाँ से रिलेशनशिप पे क्लिक करना है। जैसे रिलेशनशिप पे क्लिक करेंगे ये इस तरह का आएगा। देख सकते हैं कि किस प्रकार से ये रिलेशन क्रिएट हो गया है। रिलेशन क्रिएट कराने का फ़ायदा क्या है हमें, आइए अब उसको जान लेते हैं। अगर हम किसी रिकॉर्ड के अंदर जाते हैं, जैसे सपोज कीजिए ये हमारे पास रिकॉर्ड है, तो ये रिकॉर्ड बनी हुई है, अब हम रिलेशनशिप क्रिएट करा चुके हैं। तो यहाँ स्टूडेंट डिटेल टेबल पर हम गए, तो यहाँ पर देखिए ये प्लस प्लस बन के आ रहा है। ये प्लस प्लस का क्या मतलब है, जैसे इस प्लस पर हम क्लिक करेंगे तो ये देखिए यहाँ पर जो है इन दोनों टेबल्स का एक कंबाइंड रिकॉर्ड हमें दिख रहा है। सब्जेक्ट कोड दिख रहा है, कंप्यूटर साइंस का नंबर दिख रहा है, मैथ्स का नंबर दिख रहा है और इन दोनों का टोटल होता हुआ नज़र आ रहा है। ऊपर में ये दिख रहा है हमें कि ये राम है, न्यू कॉलोनी देवरिया इनका एड्रेस है, यानी दोनों टेबल्स हमें एक साथ साथ दिख रही हैं। ये फ़ायदा है रिलेशनशिप क्रिएट कराने का और ये वन टू मेनी रिलेशनशिप है। अगर बात करें सुमन वाले कॉलम की, यहाँ पे सुमन वाले रिकॉर्ड की बात करें तो यहाँ पे क्लिक कीजिए आप तो ये सुमन का पूरा रिकॉर्ड दिख जाएगा, ये भटनी की रहने वाली। और यहाँ पर ये जो है पिन कोड है, ये डमी पिन कोड मैंने डाला हुआ है, ये सब्जेक्ट कोड है, ये सारा रिकॉर्ड एक साथ हमें दिख जाएगा। ये फ़ायदा है रिलेशनशिप क्रिएट कराने का। तो आई होप की बात समझ में आई होगी कि रिलेशनशिप कैसे हम क्रिएट कराते हैं और इसका क्या हमें फ़ायदा होता है। तो उम्मीद है कि वीडियो पसंद आएगी। वीडियो पसंद आए तो इसको शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।